और सीए के तहत पहली बार 14 लोगों की नागरिकता दी गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता सौंपी और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मोदी की गारंटी वादा पूरा होने की गारंटी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला बताया है। 11 सितंबर 2019 को सीएए संसद से पास हुआ था। भारतीय नागरिकता पाए लोगों ने इसे नया जन्म बताया है।